यूनिवर्सिटी पटियाला पेडागोजी ऑफ साइंस है, टीचिंग ऑफ साइंस 50 मार्क्स है, 35 मार्क्स दे एक्सटर्नल, 15 दे इंटरनल होंगे। लर्निंग आउटकम की होनी चाहिए है, जो तुम्हें समझना है, जो जानना है। सिलेबस इतों शुरू होता है, दो यूनिट ने ए सैक्शन बी सैक्शन। पहला शुरू होता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस, नेचर स्कोप इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ साइंस। तीन क्वेश्चन सिंपल सीधे बनते हैं, सो इन्ने औखे क्वेश्चन नहीं है। नेचर ऑफ साइंस विच असी इंपीरिकल कह सकते हो, जिहड़ी डाटा कलैक्ट करती है, डाटा जो डाटा कलैक्ट करके किसी चीज़ में स्टडी किया जाता है। मेरे को पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग है कि वह साइकोलॉजी भी उत्थे साइंस है, क्योंकि डाटा कलैक्ट किया जाता है। तुसी अपनी जिहड़ी है फिजिक्स है कैमिस्ट्री है उहदे विच डाटा ही मेन किते के डिस्कवरी चैनल देखो, डाटा ही कलैक्ट करते हैं, सिस्टेमैटिक है, स्टैप बाय स्टैप चलती है, हाइपोथिसिस नूं जिहड़ा है एक्सैप्ट रिजेक्ट करती है, डाटा एनालाइज करके डाटा नूं जिहड़ा इंटरप्रेट करती है और हाइपोथिसिस नूं टेस्ट करती है। ये सिस्टमैटिक है, मैथडोलॉजिकल के मैथड नूं, साइंटिफिक मैथड नूं इन्नी महत्ता दिती गई है। जदों दी साइंस वर्ल्ड वार फर्स्ट सैकेंड आई है, साइंस ही टॉप ते सबजैक्ट चला गया है, क्योंकि साइंस के जरिए ही पैसा वध तो वध कमाया जाता है, युद्ध लड़िया जाता है। प्रडिक्टिव है कि साइंस प्रडिक्शन दसदी है कि इस वेरीएबल दे अज तुहानूं किदां पता लग जाता कि ज़्यादा बारिश आने वाली है, ज़्यादा तूफान आने वाला है, सो पहलां तो पता लग जाता। प्रडिक्शन साइंस हैल्प करती है, साड़ी हर फील्ड च हैल्प कर रही है ना। टेंटेटिव साइंटिफिक नॉलेज इज आलवेज टेंटेटिव, अच्छा नॉलेज जिहड़ी है एनहांस कर रही है, सानू साइंटिफिक नॉलेज दे रही है, क्रिएटिव बना रही है सानू। देखो किन्नियां इनोवेशन हो रही है, मोबाइल में ही देख लो किन्ने, सो इनू एक्सप्लेनेशन इत्थे नहीं दित्ती जा सकती। ट्रांसपेरेंट है, इसकी नेचर ट्रांसपेरेंट है, जो है सो है, उहदे विच फीलिंग्स नू मिक्स नहीं कर सकते, पब्लिक है, सब देख सकते हैं, है ना। कोई तारा टुटदा है उसनू फिल्म ते मूवी ते मीडिया ते दिखाया जाता है, सब देख सकते हैं, है ना। बेस्ड ऑन नैचुरल कोजेज है, ह्यूमन मेड नहीं, जो कोजेज ने नैचुरल ने, कॉज एंड इफेक्ट नू स्टडी करती है। सो इत्थे तक करांगे, वापस चलांगे इस दे। हाँ, स्कोप नू देखना है तो बहुत ज़्यादा ईजी है। स्कोप नू समझण लई मैं एक नुक्ता दिना हाँ कि तुसी कदे भी कोई भी स्कोप लिखना है, अपने सिलेबस दे सारे टॉपिक्स लिख दिओ, उस स्कोप बन जाता है। इत्थे स्कोप की जे गल करनी है, तुसी देखो फिजिक्स है, बिल्कुल है, फिजिकल साइंस आ गई, उहदे विच फिजिक्स कैमिस्ट्री है ना, ये वाली होर साइंसेज आ जांदियां, सारे दी लिस्ट दे सकते हो। बायोलॉजी आ गया, उहदे विच बॉटनी आ गया, मेडिसिन आ गई, इह साइंस है। जूलॉजी आ गया है ना, एनवायरमेंटल साइंस आ गई, सोशल साइंस भी गिना रहे हैं, साइकोलॉजी साइंस है पूरी, अपलाइड साइंसिज आ गई। सो साइंस सारिया गिना देनिया है, तुहाडा बन जाना है स्कोप। इंपॉर्टेंस की है, इंपॉर्टेंस तो इस तो बिना हुण ह्यूमन का जीना सब तो ज़्यादा औखा लगता है, क्योंकि किसी भी फील्ड में नहीं। अच्छा, साड़ी नॉलेज नू एडवांस्ड कर रही है। अच्छा, टेक्निकल इनोवेशन है, मोबाइल कंप्यूटर की एग्जाम्पल तो बेस्ट है, हेल्थ एंड मेडिसिन है, हेल्थ इंप्रूवमेंट हूँ तो जोड़े ऑपरेशन भी ने, कहते दूरबीना छोटा टक है, पहला सारा बॉडी फाड़नी पैंदी सी। देखो ये सारी जो है, ये गल वक्री है कि मिसयूज ने साड़ी हेल्थ भी खराब की है। जिन्ना जिन्ना सानू जीना भुल गया है, असी नेचर तो दूर चले गए हाँ, साइंस का उहदे विच कोई कसूर नहीं है, ह्यूमन बीइंग का है। साइंस ने तां तुहाडी लाइफ नूं कंफर्ट दिता सी, तां सानू यूज़ नहीं करना आया, एसी नूं इन्ना यूज़ कर लिया हुण जल्दी बीमार हो जाने हाँ। हाँ, तुसीं फॉरन का देखो कोविड विच की हाल होया, जल्दी वह बीमार होए जिहड़े कंफर्ट च रहिंदे सी। जो मजदूर है मेहनत करता रहिंदा है, वह देखो इम्यून उहदी किन्नी है। एक मजदूर मैं मतलब मेरे मामा जी जी लोहे का काम करते हैं, हॉस्पिटल गए किसी ब्लड देन, तो उन्होंने दो यूनिट, मैं हैरान हो गया कि दो यूनिट ले लें और मामा जी फिर आयरन का वर्क कर रहे हैं। एनवायरमेंटल कंजरवेशन है, साइंस हेल्प कर रही है, इशूज रेज कर रही है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रिज चो निकलिया, इसनों बचाना है, इनू धरती नू पानी नू इन्ना बचा लो, सस्टेनेबल डिवेलपमेंट किस तरह करनी है। इकनोमिक ग्रोथ हो सकती है, तुसी साइंस तो बिना कदे भी नहीं हो सकती। बिजनेस अच्छा हो सकता है, ट्रेड हो सकती है, अज इत्थे ऑनलाइन बिजनेस हो रहा, कदे सोचा जा सकता सी। सो इस तरह तुसी क्रिटिकल थिंकिंग है सब डिवेलप करना, सो इस तरह के जिहड़े पॉइंट है डिस्कस कर
करने हैं, वैल्यू ऑफ साइंस है, वैल्यूज की इनकलकेट की जाती हैं साइंस के द्वारा, है ना, तनु ऑनेस्ट सिंसियर बनाती है, जा कोई होर वैल्यू जिहड़ियां हैं। इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ स्टडी साइंस एंड मॉडर्न इंडियन सोसाइटी, तो ये तो थोड़ी मॉडर्न तुम हो साइंस ने मॉडर्न इंडियन सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट देखना है, तो देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। साइंटिफिक एडवांसमेंट इंडिया दे विच है, किस किस फील्ड विच तुसी स्पेस विच जिहड़ा चंद्रयान छोड़िया उसकी गल कर सकते हैं, मेडिसन विच, है ना, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच, इस दे अलग अलग तो पॉइंट भी बना सकते हैं। इसरो है, डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन है, इंडिया दी इहदे विच एडवांसमेंट हुई है इसकी जिक्र तुसी कर सकते हो, है ना। एजुकेशन एंड रिसर्च है, एजुकेशन ने साइंस नू, साइंस ने अगे सोसाइटी नू हेल्प करनी है, एजुकेशन भी साइंस साड़ी सोसाइटी का पार्ट है, सो सोसाइटी जिहड़ी है अच्छे एजुकेटर सॉरी स्टूडेंट साइंटिस्ट पैदा करती है। पर जिस तरह असी पढ़ पढ़ा रहे हैं ये जिहड़े TET UGC नैट हो रहे हैं कि राइट आंसर राइट आंसर राइट आंसर, ब्रूनर ने इसे का विरोध करके कहा कि ये अच्छे साइंटिस्ट पैदा नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई सब तो ज़्यादा साइंटिस्ट बाहर साढ़े पैदा किए जा रहे, साडा एजुकेशन सिस्टम साइंटिस्ट पैदा करन वाला अच्छा नहीं है। पर हो रहे हैं पॉपुलेशन के मुताबिक हेल्थ केयर है ना, ये पॉइंट एनवायरमेंटल अवेयरनेस है जिहड़ा, उही पॉइंट है कि इंडियन मॉडर्न सोसाइटी विच इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट ही कि इंडिया विच अप्लाई करके असी देखते इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की साइंस करके किन्नी हुई है तुसी देख सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जड़ा है, अट्रैक्शन है, इंसेंटिवस है। अज देखो तुसी मेरे चलो छोड़ो मतलब 20-20 साल दे जड़े स्टूडेंट्स ने वो 70,000 1,00,000 में को काउंसलिंग जो केस आते हैं, पर वो स्ट्रैस दे मरीज ने, इकोनॉमिक ग्रोथ है, साइकोलॉजिकल जाती रहती है, अपना आप नू इंपॉर्टेंस नहीं देती असी है, जो पैसे नू इंपॉर्टेंस दे देती है। चैलेंजेस एंड एथिकल कंसर्न है, साइंस ने दसिया है कि रिसर्च भी करनी है एनिमल दा, उन्हें पेन नहीं होनी चाहिए, उसकी परसनैलिटी जी परसनल लाइफ है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, यूट्यूब चलता है फेसबुक है वो एथिकल जड़िया गाइडलाइन देंदे है, लेकिन असी फिर भी किसी की परसनल लाइफ नू बाजार विच लै आने वेचते हैं, उस तो व्यू इकट्ठे करते हैं, व्यू पागल हो गए हैं, व्यूज़ ने तो सानू पागल कर दिता है, जिन्ने वद व्यू है उन्ना उच्चा उसनों समझते हैं, क्वालिटी विच नहीं देखते दे कि एनिमल इंस्टिंक्ट ना, सेक्स की गल करके मिलियन मिलियन इमेज माड़ी जी दिखाओ किन्ने व्यू आ जाएंगे, पर एनिमल साढ़े अंदरों निकलता है उस खबर नू उस अंग नू वेखण लई तर तरले करते हैं, तो वह एजुकेशन नहीं है, ह्यूमन बीइंग आएगा तो इतों कुछ निकलेगा, फिर अच्छा भला प्यारा अच्छी चीज़ तुसी उहदे च देखोगे। सो साइंस का कसूर नहीं है, साड़ी एजुकेशन का कसूर पक्की गल है। वापस चलते हैं, मेरे ख्याल इन्ना नहीं पढ़िया पढ़ाया जाना, रिलेशनशिप ऑफ साइंस एंड सोसाइटी, रिलेशनशिप ऑफ साइंस एंड सोसाइटी जिहदे देखने दो चार पॉइंट, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है साइंस दा सोसाइटी दे, सोसाइटी दा साइंस दे, पिछले पॉइंट जिहड़े है वो डिस्कस किए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, साइंस करके हुई है, सोसाइटी करके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एजुकेशन भी इंप्रूव कर दी है, ये भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, एजुकेशन इंप्रूव हो रही है, हाँ अच्छे लर्नर जिहड़े बनते हैं सीख के फिर साइंटिस्ट बन सकते हैं, सो एक दूजे को म्यूचुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हेल्थ एंड मेडिसन, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट पॉइंट रिपीट हो रहे हैं लेकिन वो सेम चीज़ा दस रहे हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस, कि तुसी साइंटिफिक एप्टीट्यूड डिवेलप करना चाहते हो, उन्होंने थिंकिंग डिवेलप करना चाहते हो, क्रिटिकल थिंकर बनाना चाहते हो, उन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हो, उन्हां दी लाइफ नू बैटर किदां सोचना है, प्रॉब्लम नू साइंटिफिकली सॉल्व किस तरह करना है, इस तरह दीयां गल्लां आणगीआं। सैकेंडरी लैवल ते एडवांसड नॉलेज होएगी, रिसर्च बेस्ड नॉलेज होएगी, ब्लूम दी टैक्सोनमी, ब्लूम दी टैक्सोनमी पिछे नहीं छड्डना, ब्लूम दी टैक्सोनमी जिहड़ी रिवाइज हो चुकी है वो ये है, सॉरी ये पिछली है, हाँ नहीं ING नहीं लगाया, इतने गलती की है, ING लगना है। सब तो नीवे लैवल से डिवीजन की गई है कोगनेटिव एम्स ऑब्जेक्टिव बनाने की, सब तो नीवे लैवल का जो ऑब्जेक्टिव बनता है जो क्लासरूम अपलाई किया जाता है वो इनफॉर्मेशन
याद करना है, उस तो उत्ते उसनू समझना है, अगले लेवल ते है कि जिहड़ी समझी हुई इन्फॉर्मेशन उसनू अप्लाई करना है, अप्लाई करन तो बाद इन्फॉर्मेशन नू एनालाइज करना है, ये जिहड़े उपर वाले चार ने एनालाइज करन तो बाद इवैल्यूएट करना है, ये गुड इन्फॉर्मेशन है ये नॉट गुड इन्फॉर्मेशन है जिहड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करन लई, इत्थे इन्फॉर्मेशन सारी नू सिंथेसाइज करके क्रिएटिव नवी इन्फॉर्मेशन तुसीं बना लैंदे हो, सब तो उच्चा है। हुण इहदे लई ब्लूम ने कुछ वर्ड दिते हुए ने, फॉर एग्जाम्पल इत्थे दिता होया कई शब्द दिते, उन्हां चों एक शब्द दस रहा है डिफाइन। स्टूडेंट्स आफ्टर टीचिंग दिस साइंस सब्जेक्ट जां साइंस टॉपिक स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म एटम, है ना, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट जां बिटवीन एटम एंड अदर कंसैप्ट, दो कंसैप्ट तुसी दिंदे हो, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना, टू क्रिएट द, इस तरह हर एक लेवल लई घट्टो घट्ट 10-20-25 दे करीब वर्ब्स रूप विच शब्द दिते गए ने जिन्हां नू वर्त के अध्यापक ने लैसन प्लान बनाउन समय इन्हां उन्हां शब्दां नू ऑब्जेक्टिव्स विच अपने ऑब्जेक्टिव्स विच यूज़ करना है। वो क्यों यूज़ करना है, क्योंकि वो शब्द सीधा दस दिंदा है कि ये डिफरेंस जे बच्चा कर लेंदा है, बच्चा ये डिफाइन कर लेंदा है, इस रूप टीचर देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, है ना। जिहड़े इन्हां वर्ब्स तो बिना एक्शन वर्ब इत्थे जिहड़े शब्द आ वाले आ इन्हां तो बिना बनाओगे उस नूं तुसीं देख नहीं सकते कि मैं जे ये कहना है कि मेरे साइंस दे विषय नूं पढ़ाउण तो बाद बच्चा बच्चे नूं समझ आ जाएगी, बच्चे मेरे पाठ नूं अच्छी तरह समझ लैणगे, किदां पता लगेगा, ये दसेगा कि वो इस टर्म नूं डिफाइन कर पाउणगे, वो ए ते बी टर्म विच डिफरेंस कर पाउणगे, वो जिहड़ियां इस दियां एग्जाम्पल दी 5 एग्जाम्पल दी लिस्ट बना सकणगे। हुण लिस्ट चैक की जा सकती, डेफिनेशन चैक की जा सकती, डिफरेंस दे 3 पॉइंट चैक किए जा सकते हैं, इसलिए इस ब्लूम दी टैक्सोनॉमी इस नूं साइंटिफिक साडे उन्हूं बना दिंदी है टीचिंग लर्निंग प्रोसैस नूं। सो इस दी गल आएगी पैडागोजिकल एनालिसिस है, तुसी पैडागोजिकल एनालिसिस कुछ भी डिफरेंट डिफिकल्ट नहीं है, पैडागोजिकल मेन टीचिंग लर्निंग, टीचिंग दे की कंपोनेंट है कि सब तो पहला असी बनाने हाँ देखते हाँ कि साडे टीचिंग मैथड्स होंदे हन, है ना, जे इहदी डेफिनेशन देखनी है पैडागोजिकल एनालिसिस सिस्टमैटिक एग्जामीनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मैथड स्ट्रैटेजीज टैक्नीक्स, ये पॉइंट बन जाने अगे। तुसी मैथड दा एनालिसिस करदे हो कि मैं सही मैथड यूज़ कर रहा हाँ, मैं चाइल्ड सेंटर्ड यूज़ कर रहा, एक्सपीरियंस सेंटर्ड, सोशल सेंटर्ड, या कम्युनिटी सेंटर्ड, या टीचर सेंटर्ड, नॉलेज सेंटर्ड, किहड़े मैथड यूज़ कर रहा, कि वो मेरे एम्स जिहड़े मैं अचीव करने उहदे लई बैटर ने, इस तरह एवेल्यूएट कर रहे हो। करिकुलम डिजाइन नूं, स्ट्रक्चर नूं, कंटेंट नूं, की टॉपिक रखने ने विच साइंस दे, है ना, किहड़े किहड़े सब टॉपिक रखने ने, लर्निंग मटीरियल ऑडियो विजुअल एड की सूटेबल है, रेलेवेंट है, एक्यूरेट है, एररलैस है, ये चीज़ां देखनियाँ, हाँ, असैसमेंट स्ट्रैटेजी की बच्चे दे जिहड़े नॉलेज नूं टेस्ट करना है कि ओबजैक्टिव टाइप होणगे, सबजैक्टिव टाइप होणगे, ओपन एंडेड होणगे, रूब्रिक्स वरतने ने, पोर्टफोलियो वरतना है, ये सारियां चीज़ां, क्लासरूम एनवायरमेंट नूं तुसीं एनालाइज करदे हो, ये सारा कुछ पैडागोजिकल एनालिसिस च आ जाता है, ये इन्ने की जिहड़े पॉइंट थोड़े बनने ने। सो इसकी मीनिंग नीड्स की है, गाइडलाइनस की है, नीड्स ये है कि इस नाल नैचुरली है टीचिंग बैटर बनेगी, टीचिंग बैटर बनेगी, लर्निंग बैटर बनेगी, लर्निंग बैटर किदा बनेगी, बच्चे इंजॉय करेंगे, बच्चे इंट्रस्ट लैणगे, बच्चों के जिहड़े सी लर्निंग ऑब्जेक्टिव किन्ने अचीव हो गए साफ पता लगेगा, फीडबैक मिलेगी, रिफ्लैक्टिव टीचिंग हो जाएगी, टीचिंग भी टीचर की इंप्रूव होएगी, कंटेंट करिकुलम भी इंप्रूव होएगा, करिकुलम ट्रांजैक्शन इंप्रूव होएगा। सो ये सारे पॉइंट इदा तुसी गिना देने हैं। साइंस करिकुलम मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स वेरी ईजी, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्सपीरियंस सेंटर्ड, कम्युनिटी सेंटर्ड, है ना, ये सारे प्रिंसिपल बनते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक होल एंड पार्ट, पार्ट एंड होल, वही यार मच्छर जहा आता इदा कर जाता कितने सी, हाँ। सो ये गल्लां कर लेनियां है वेरियस अप्रोचेज ऑफ साइंस कंस्ट्रक्शन एंड डिवेलपमेंट ऑफ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्टिविज्म है साड़ा, कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म ने कहना की है एक्टिव लर्नर एक्टिव होएगा, है ना, लर्नर का इंटरैक्शन होएगा, इंटरैक्टिव ग्रुप स्टडी होएगी, कोऑपरेटिव लर्निंग होएगी, इनक्वायरी बेस्ड लर्निंग होएगी, बच्चे की क्यूरियोसिटी नू देखा जाएगा, बच्चे के इंटरस्ट नू देखा जाएगा, नीड्स नू देखा जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस नू देखा जाएगा, जिहड़े डिफरेंटली एबल है, स्पैशल चिल्ड्रन है, उन्हां लई उन्हां दीआं नीड्स नू पूरा करन लई रिमीडियल क्लासेस है, स्मॉल ग्रुप क्लासेस है, है ना, ये सारा कुछ चाइल्ड सेंटर्ड दे सारे मीनिंग बनते ने, कुछ भी नहीं है ये तो। नैक्सट है बी सेक्शन साइंस टैक्सट बुक ईजी है, मीनिंग इंपॉर्टेंस एंड क्वालिटीज़। हर टैक्सट बुक दे एक तो शरीर होता है, एक उदी आत्मा है, आइडियाज़ की ने, दोनों एवेल्युएट करना है। शरीर विच की है, स्पैलिंग एरर किन्ने ने जी, स्ट्रक्चर ठीक है, साइज ठीक है, इमेजेस इलूस्ट्रेशन उदाहरण किनिया दित्तिया गई, ऑर्डर ठीक है, कॉन्टेंट का ये बच्चों के लैवल का है, रेलेवेंट है, ये वाली चीज़ा देखनिया। और आइडियाज़ है ना, आइडिया साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव है, साइंस नू प्रमोट कर दिया, ऑब्जेक्टिव दे अकॉर्डिंगली है, उन्हां बच्चों के लैवल दे आइडियाज़ दिते गए ने, इंटरस्ट है आइडिया उहदे विच जिहड़ा कंटेंट है ना। फिर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ साइंस टैक्सट बुक स्टेट बोर्ड लैवल एंड NCERT। सो ये जिहड़ियां गल्लां दसियां ये तुसीं एक बुक लैके उहदा एनालिसिस करदे हो, इत्थे करना नहीं, असीं सिर्फ पॉइंट लिख रहे हैं कि आ कमियां हन ते आ खूबियां हन। लर्निंग एक्सपीरियंस एंड टीचिंग एड्स कंसैप्ट डेल्स कोन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस वेरी इंपॉर्टेंट। असी हमेशा ही डेल्स कोन दे बिल्कुल उल्ट चलते हाँ, की कारण है, इंडिया उल्ट चलता है। इत्थे ये डेल्स कोन नू तुसी तुहानू ड्रा भी करना पएगा, लेकिन इत्थे मैं समझण दी गल करांगा कि समझना किवें है। जिवें जिवें कंक्रीट एक्सपीरियंस है, कंक्रीट चीज़ दिखाई जाती है ना, उन्नी ही लर्निंग उहदी ज़्यादा होएगी। कंक्रीट कंक्रीट का मतलब है अखां नाल देखी जा सकती है, कन्नां नाल सुनी जा सकती है ना, उसनू डायरैक्ट तुसी मैं कहने बॉल की हुंदा, पेन की हुंदा, बच्चे नू दिखा दो आ हुंदा है भाई, है ना, एलीपेंट की हुंदा है, तीन तरीके नाल एलीपेंट पढ़ाया जाता है, एक कि वह काला हुंदा है, वह लंबा हुंदा है, उच्चा हुंदा है, उसकी सुंड हुंदी है, उसका वगैरह वगैरह ना शेप हुंदी है, उसका साइज वड्डा हुंदा है, दूसरा तुसी इमेज दिखाती, तीसरा हाथी दिखा दिता, सो केड़ा बैटर है। सो जिहड़ा ए वाला लैवल है इत्थे सब तो ज़्यादा कंक्रीट है, तो सब तो ज़्यादा लर्निंग होएगी, है ना। जिद्दां जिद्दां उपर नू जाने आ, जिद्दां इत्थे फील्ड ट्रिप्स आ गए, एग्जीबिशन आ गई, मोशन पिक्चर आ गई, हुण पिक्चर ते आ गए रीप्रजेंटेशन, ऑडियो विजुअल एड रिकॉर्डिंग है, पिक्चर विजुअल सिंबल है, टैक्सट है, कल्ली टैक्सट बुक है, इत्थे सब तो घट होएगी। सो ए कौन इस तरह की गल करेगा, सिंपल गल्लां ने। अच्छा डेल्स कौन ये दसता है कि जिन्नी डूइंग है, इत्थे डूइंग ए ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन सिमुलेशन रियल एक्सपीरियंस लाइफ का, बिल्कुल असी किन्ना याद रहिंदा है, उन्हां नू बच्चियां नू इस तरह पढ़ाया गया है ना, एक्सपीरियंस दिते गए, तो उन्हां नू 90% याद रहा किन्ने टाइम के बाद। ओके, जिन्हां नू सिर्फ पार्टिसिपेशन डिस्कशन टाकिंग है, ये एक्टिव है, कोगनेटिव है, इत्थे फिजिकल ते फिजिकली भी एक्टिव है बच्चे, कोगनेटिव दिमाग नाल भी एक्टिव है, इत्थे कोगनेटिवली एक्टिव है, तो ये 70% उन्हां नू याद रहा। अच्छा जिहड़े बच्चे आ देख सकते, पार्टिसिपेट नहीं हुण कर रहे, देख सकते सुन सकते हैं, चीज़ा हो रही है, इन्हां नू 50% याद रहा। अच्छा जिहड़े कल्ले देख रहे ने, हुण की है कि हेयरिंग बाकी चीज़ा खत्म कर दित्तियां, इन्हां नू 30% याद रहा। जिहड़े कल्ले सुनन वाली चीज़ा ऑडियो रेडियो है ना टेप रिकॉर्डर 20% याद रहा। जिहड़े कल्ले रीड करते उन्हां नू 10% याद रहा। साडा सिस्टम कहते बेस्ड है रीडिंग ते, अज भी तुसी कहने नोट्स दे दो, तुसी ठीक हो, गलत नहीं हो, क्योंकि एग्जाम उस तरह होना है। सो असी कहने बी एड विच इस तरह सिलेबस इन्ना अच्छा लाया है, लेकिन एक्सपीरियंस असी बिल्कुल उल्टे हाँ। एक्सपीरियंस मेरे ख्याल बस करिए, इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ क्लासीफिकेशन एड्स, प्रोजेक्टड नॉन प्रोजेक्टड एड, उन्होंने डिवीजन हो इस तरह हो जाती है, बेसिकली यही लैनिया कि जिना जड़िया लाइट सुट दियां हन ते वो इमेज वड्डी हो जाती है ना, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, पैनल है, तीन चार तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, चाकबोर्ड है, मॉडल है, ये जड़े है ब्लैकबोर्ड है, ये सारा कुछ नॉन प्रोजेक्ट आ जाता है।
आईसीटी, इंटीग्रेटिंग आईसीटी विद टीचिंग। इत्थे आ जिहड़ी चीज़ है यह इंटीग्रेशन ही है आईसीटी दी। तुसीं मोबाइल नूं लर्निंग नाल जोड़ सकते हो, रोज़ बच्चे नूं दो मैसेज भेज सकते हो कि यह शब्द इंग्लिश का सीख सकते हो, साइंस की यह कंसैप्ट सीख सकते हो, रोज़ इस तरह कर सकते हो। मैं कोशिश है कर लगा कि टीईटी की तुहाडी तैयारी लई एक छोटा जिहा रोज़ दो क्वेश्चन जां एक क्वेश्चन का वीडियो पाया करा, रोज़ तुसीं देखो तुरे जांदे देख सकते हो। सो मैं इंटीग्रेट इस तरह आईसीटी नूं कर सकदा हां। मोबाइल लर्निंग है, मोबाइल के जरिए कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन क्लासेज है, ये सारा कुछ जिहड़ा है इंटीग्रेशन है। सिलेबस का लास्ट है एक्टिविटी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल फॉर्म इन एनी फाइव टॉपिक्स, डिवेलपिंग ए लो कॉस्ट हाई वेरी गुड टीचिंग एड इन साइंस, खर्चा ना किंदा आवे तुहाडा, पेडागोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ एनी वन टॉपिक। सो ये है, मेरे को पेपर नहीं मिल रहे, पेपर मिलते रिकमेंडेड बुक देख लो, देख लो कि जिड़ी मर्जी पा लो तुम यूनिवर्सिटी दियाँ। मैं हजे अपन बुक्स आप ही सुजैसट नहीं कर रहा, वैसे लिस्ट दे दाँगा जिन्हों तो सिलेबस पूरा होंदा है। नवी बुक्स भी आ रही ने जड़ियाँ थोड़े, मैं टॉपिक लिख रहा हाँ कर रहा हाँ। सो इंटरनल असैसमेंट 15 की, एक्सटरनल 35 मार्क्स का पेपर होएगा, अटेंडेंस 3 की है, रिटन असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क रिस्पोंस शीट 6 मार्क्स की है, मिड टर्म 2 एग्जाम होने ने 6 मार्क्स के। तुहाडा एग्जाम किस तरह होना है सिर्फ इतने दस दिना हाँ, इतने बनया हुआ है, अगे बन के फिर दस दिना हाँ, रंग बदल लेने हाँ। इतने करके दसिया कि तुहाडा सैक्शन ए है, ये सैक्शन ए है और सैक्शन बी है। सैक्शन ए दे विचों एक ते दो क्वेश्चन आ गए, उहदे विचों तुसीं एक क्वेश्चन कर लिया, वह 12 मार्क्स का होएगा। इस तरह बी सैक्शन चो दो क्वेश्चन आउणगे, तुसीं एक कर लिया, 12 मार्क्स का होएगा। सैक्शन सी ये दोनों सारे सब्जेक्ट चो आएगा, सारे मैटर ये चो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे ही करने हैं, 2 मार्क्स के होंगे, 10 का हो गया। एक क्वेश्चन तुहानूं ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस भी हो सकता, फिलिंग दी कुछ भी हो सकता, वो एक पूछा जाएगा, एक होएगा, ये एक हो गया तो ये हो गए 11, टोटल मिला के 12 दूने 24 तो प्लस करके बन गया 35। ये पेपर का पैटर्न होएगा। ओके, सो पेपर नहीं मिले, पेपर की अलग तो वीडियो पा दाँगा। थैंक यू। सिलेबस का पैटर्न चेंज हो गया वो मुताबक, पर फिर भी पुराने पेपर मिले तो पर दे देंगे।